उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को लगातार दिन बीत रहे हैं। हादसे के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। पिछले 5 दिन से टनल के अंदर फंसे 40 के 40 मजदूरों को बचाने के लिए पूरा का पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। जहां एक तरफ टनल में फंसे मजदूरों की जान अटकी हुई है, तो वहीं टनल में फंसे हुए इन मजदूरों के परिजनों की भी परेशानी और टेंशन बढ़ने लगी है। वहीं सुरंग में फंसे मजदूरों को खाना और पानी पाइपलाइन के जरिए मुहैया करवाया जा रहा है, जबकि दिल्ली से बुधवार को भारी ऑगर मशीनें लाई गई हैं। एयरफोर्स के 3 विशेष विमान 25 टन भारी मशीन लेकर पहुंचे हैं। इन मशीनों की मदद से हर घंटे 5 मीटर मलबा निकाला जा सकेगा और मलबे को निकालकर स्टील पाइप को दूसरी तरफ पहुंचाया जा सकेगा। वायुसेना के हरकुलिस विमानों से 3 खेप में लाई गई ऑगर मशीनों को चिन्यालसी सॉड हवाई अड्डे पर उतारा गया था। इन मशीनों को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए घटनास्थल पर पहुंचाया गया है। वहीं टनल से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन और सेना की टीम भी जुटी हुई है, ताकि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। वहीं इस टनल हादसे में झारखंड का रहने वाला 22 साल का महादेव भी फंसा हुआ है। महादेव टनल में मजदूरी का काम कर रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि महादेव के परिवार वालों को पता नहीं चलता कि महादेव टनल में फंसा हुआ है, अगर टनल से महादेव की आवाज नहीं आती। जानकारी के मुताबिक टनल में फंसा महादेव अपने उस मामा से बातचीत कर रहा है जो उसके साथ इसी टनल में काम कर रहा था। यह बातचीत उसने अपने मामा से वॉकी टॉकी से की है। इस बातचीत में महादेव ने उड़िया भाषा में बोला है कि मुझे बाहर निकालो, परिवार वालों को बोल देना कि चिंता ना करें। झारखंड में मौजूद महादेव के भाई बोनू नायक को जब अपने भाई की आवाज सुनाई पड़ी, तब परिवार को पता चला कि महादेव टनल में फंसा हुआ है। वहीं परिवार परेशान है। परिवार का कहना है कि प्रशासन दावा कर रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जल्द महादेव को निकाल लिया जाएगा। हालांकि अभी तक रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिल सकी है। आपको बता दें, सुरंग के अंदर 7 राज्यों के 40 मजदूर फंसे हुए हैं। इस घटना को करीब 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। हादसे का आज 5वां दिन है, लेकिन अब तक किसी भी मजदूर को नहीं निकाला जा सका है। हालांकि रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई नागरिक सुरक्षा बलों के जवान जुटे हुए हैं। मलबे के बीच पाइपलाइन से पहले एक छोटा 11 mm का पाइप भी डाला गया है, जो काफी आगे तक चला गया है। इस परीक्षण के बाद रेस्क्यू टीम अब इसी जगह से 900 mm का पाइप भी डालने की कोशिश करेगी। इस रेस्क्यू में बचाव एजेंसियों को अभी तक कोई सफलता हालांकि नहीं मिल सकी है। मलबा हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बड़ी ऑगर मशीनें लगाई गई हैं। नॉर्वे और थाईलैंड के विशेषज्ञों की सलाह भी ली जा रही है, बल्कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह का कोई हादसा ना हो और मजदूरों को किसी तरह की कोई हानि ना हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।